नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नेहा अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरा इस चैनल पे। और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए। और बस मेरे पास कुछ फ़ोटो थी जिससे मैंने ये ब्लॉग बनाया और कुछ वीडियोस थे। थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि ये मेरी देवरानी की गोद भराई का वीडियो है। 7 महीने में गोद भराई भी कहते हैं, सतवासा भी कहते हैं, तो वो हम कर रहे हैं। तो ये है मेरी देवरानी जिसने लहंगा पहना हुआ है, और ये है मेरे देवर देवरानी। अब हम लोग करने जा रहे हैं गोद भराई। और उस टाइम तो मैं ब्लॉग बनाती नहीं थी, नहीं तो मैं ढंग से पूरा अच्छे से वीडियो डालती। तो कुछ फ़ोटो और वीडियो था तो मैंने कोशिश किया मैं अच्छे से ब्लॉग बना सकूं। तो बस मैं ये टीका कर रही हूँ अपने देवरानी का। तो इसमें 7 सुहागनें होती हैं जो ससुराल की साइड से होती हैं। तो पहले वो गोद भरती हैं, उसके बाद मेरी देवरानी के मायके से उनकी मम्मी चाची लोग आई, फिर वो लोग भरती हैं, और उसके बाद कुंवारी कन्याएं भरती हैं। तो सबसे पहले मैं मेरी सासू जी हैं नहीं, मैं ही हूँ जेठानी। तो मैं सबसे पहले गोद भरूँगी अपनी देवरानी का, तो जिसमें मैंने 5 फल और गोद में भरे और ड्राई फ्रूट्स हैं। और जो मैं गिफ्ट करना चाहती हूँ वो है, मैंने अपनी देवरानी को कुछ गिफ्ट दिए थे वो मैं दे रही हूँ। तो वो सब मैं देवरानी के कुछे में डाल दूँगी मैं। और उसके बाद देवरानी के कान में कुछ कहा जाता है जो किसी जिसकी गोद भराई उसके कान में ही कहा जाता है बच्चे को लेके। तो इस रस्म में ये होता है और बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। और मैं काश की उस टाइम ब्लॉग बना रही होती तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करती। तो बस हम लोग ने बहुत इन्जॉय किया था, तो बस मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये है मेरी मौसी सास, ये रहती हैं बनारस में, ये मेरी मौसी सास हैं। और ये है मेरी भाभी, वो टीका कर रही हैं। और ये है मेरी मामी, और ये भी मीठा खिला रही हैं, गोद भरी हैं, गिफ्ट लेके आई थी, साड़ी सिंगार का सामान सब कुछ लेके आई थी। और ये है मेरी मामी सास, इधर साइड की मामी सास है, वो भी गोद भर रही हैं। और मेरी नंद की शादी तुरंत तय हुई थी, तो ये ब्लू शर्ट वाले मेरे जीजा जी, और ये वाइट शर्ट वाले मेरे जीजा जी के दोस्त हैं। और ये हैं उनकी मम्मी जो गोद भर रही हैं, उन्होंने दुपट्टा जो उड़ाया है। और ये हैं मेरी देवरानी की मम्मी। 7 सुहागनों के बाद ये लोग आई थी टीका करने। और ये हैं मेरी देवरानी की मौसी, और इनकी चाची भी लगती हैं, और आंटियाँ जितनी आई थी वो सब भी टीका की थी। तो बस मेरे पास जितनी फुटेज थी, फ़ोटो थी, मैंने सबकी डाल दी है। तो सब मुंह मीठा कर रही हैं, और अपने जो गिफ्ट से जो भी लिफाफा, कोई लिफाफा लेके आया था, कोई गिफ्ट लेके आया था, तो सब गोद में भर रही हैं और कान में बोल रही हैं बच्चे के लिए जो भी उनको अच्छा लगे, जो भी वो कहना चाहें, तो सब बच्चे के लिए अच्छा ही बोलती हैं। और ये रस्म में इतना हंसी मजाक होता है, गाना होता है। मेरे हमारे यहाँ गाना बहुत हुआ था, बट मैं उस टाइम मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, वीडियो नहीं बन पाया था, तो कुछ फ़ोटो ही थी। तो ये मेरी ये मेरी नंद है, और इनकी भी शादी होने वाली थी, इनकी इंगेजमेंट हो गई थी। तो एक दिन मैं इनकी शादी का भी पूरा पिक आपसे शेयर करूँगी, वीडियो पिक्स। बस उसके बाद मैं ये ब्लॉग डालूँगी इनकी शादी का। उसके बाद हम लोग ने किया था इंजॉय। और ये जो गोल्डन कलर की साड़ी पहनी है ये मेरी मम्मी है। वॉइस परफॉर्मेंस, वॉइस परफॉर्मेंस।
नीरज जी पहली बार आए थे तो सब लोग का मेन फोकस वही थे और सब उनको पकड़ के ला रहे थे कि वो डांस करें, और वो डांस तो बहुत अच्छा करते हैं, तो बस वो शर्मा रहे थे इसलिए आ नहीं रहे थे। हम सबने बहुत मस्ती की थी, बहुत अच्छा लगा था। आपके घर में कोई भी फंक्शन हो, कुछ भी हो, तो घर का माहौल ही चेंज हो जाता, बहुत अच्छा लगता है और सब एक दूसरे से मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मेरे जीजा जी बहुत ज़्यादा शर्मा रहे थे उस दिन और सब उन्हीं के पीछे पड़ गया था। तो बस मेरा वीडियो आज यहीं तक है। आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और मैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो डालूँगी जो कि आप ज़रूर देखिएगा, इसके बाद वो वीडियो जाएगा। तो प्लीज़ओके टाटा बाय बाय।